सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ रोहन मकानिया, और आज आपको फ्रेम में दिख रही होगी दो गाड़ियाँ, एक ही माँ के दो बच्चे महिंद्रा के, एक स्कॉर्पियो एन और एक अपनी XUV700। अब दोनों की पावर स्पेक्स की बात करें सबसे पहले, तो वैसे तो दोनों में सेम इंजन आता है, 2.2 लीटर डीजल एमोक इंजन। और इसकी हॉर्स पावर की बात करूँ तो ये थोड़ी ज़्यादा ट्यून्ड है। इसकी 185 हॉर्स पावर आती है XUV की, और टॉर्क आता है इसमें 450 Nm। और दूसरी तरफ अपने स्कॉर्पियो की बात करें तो इसका थोड़ा डी ट्यून करा हुआ इंजन, इसकी हॉर्स पावर आती है 175 और टॉर्क आता है इसमें 400 Nm। अब एक बार दोनों का साइज़ देखो जरा एक ही फ्रेम में भाई, स्कॉर्पियो इससे कितनी ह्यूज लग रही है। एक तो इससे वाइड भी ज़्यादा है और इससे हाइट भी ज़्यादा है स्कॉर्पियो की। तो अब आपको ओनर से बात कराता हूँ मैं, जो कि अपने दीपांशु भाई। तो अपने दीपांशु भाई है जिनकी XUV है, और इनका भाई का चैनल भी इंडियन कार वाला। तो भाई आपको क्या लग रहा है आज दोनों की ड्राइव रेस में? भाई मैंने जहाँ तक अभी चला के नोटिस करा, मतलब इसकी जो ट्यूनिंग है वो थोड़ी सी कंफर्ट वाइज करी गई है साइलेंट वियोस से, और वो वाला मज़ा सा नहीं है XUV वाले जो दूसरे तीसरे गियर में है। तो मुझे लग रहा है कि XUV जीत सकती है, और बाकी इसका लॉन्च बेटर होगा क्योंकि रियर व्हील ड्राइव है। जैसे मैं अभी मैंने भी चलाई थी XUV, तो मैंने देखा कि वो व्हील स्पिन भी मार रही है, तो व्हील स्पिन ही नहीं मारती बिल्कुल भी, व्हील स्पिन नहीं मारती, तो यही तो एडवांटेज है। हाँ यही तो एडवांटेज है। पर 70-80 तक मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो एन आगे रहेगी, उसके बाद थर्ड गियर लगती XUV पकड़ लेगी। और इधर अपने यज्ञ भाई भी है। क्या है भाई? बढ़िया भाई, आप बताओ क्या लग रहा है आज? भाई XUV जीतेगी। XUV ना, अगर थोड़ा सा भी वो हम कह सकते हैं जैसे इनोवा और XUV की करी थी ना, तो इनोवा कितने थी भाई, 60-70 तक आ गई थी? नहीं, 50-60 तक इनोवा जब हमने करी थी XUV के साथ, जब 60-70 तक, 60-70 तक आ गई थी इनोवा जब करी थी XUV के साथ, क्योंकि वो व्हील स्पिन मारती है। और भाई ये लॉन्च ही नहीं होती बेचारी, लेकिन फिर भी इसको यहाँ पे इस ट्रैक का बता रहा हूँ मैं, अगर हम किसी नॉर्मल ट्रैक पे करें ना अपने गुड़गांव वाले, तो इनिशियल से ही XUV जाएगी, लेकिन इस ट्रैक पे यहाँ पे थोड़ी ये दिखा दो जनता को ये सब है, यहाँ पे थोड़ी रोड़ी पत्थर ज्यादा है, XUV इनिशियल में निकल जाएगी, उसके बाद स्कॉर्पियो इनिशियल में निकल जाएगी, फिर XUV पकड़ लेगी बहुत प्यार से, और गैप बढ़ता ही चला जाएगा भाई। पावर का भी फर्क है, वेट भी बहुत ज्यादा है स्कॉर्पियो में, और पावर इसमें क्या कहते हैं इसको, ये मोनोकोक और लेडर ऑन फ्रेम का भी थोड़ा बहुत फर्क है, और वेट में स्कॉर्पियो 2200-2300 किलो की, वो 1800 किलो की है ना, वो 1800 किलो की है, तो वेट का भी बहुत डिफरेंस रहेगा। और मेरे XUV का रग रग पता है मुझे, और मेरे ख्याल से YouTube पे हुई भी नहीं डीजल वर्सेस डीजल ऑटोमेटिक की, तो फर्स्ट टाइम ऑन YouTube ही है भाई। तो अब इनकी मतलब फर्स्ट ये ऐसे ही है, तो भाई ने डाल दी आपने डाल दी मैंने, मतलब हम तीनों ही रहेगी भाई फर्स्ट, और की दिन रहेगी। तो अब देखते हैं ड्रैग रेस करके और आपको रिजल्ट्स दिखाते हैं। तो भाई आ गए हैं पहले राउंड के लिए, एसी ऑफ कर लो भाई, एसी ऑफ कर देते हैं, जूम में डाल लो, ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी ऑफ कर दिया, ट्रैक्शन भी ऑफ कर दिया, और इसको डाल लेते हैं अपना जूम मोड में, लग जाएगा नहीं लगेगा वो भी भाई यही, ओ भाई फिर गायब भाई आपका जूम मोड लग गया भाई, भी लगा रहा हूं अभी, मैंने ट्राई नहीं करा, लग गया देखो भाई, भाई मेरा तो गायब हो गया, बात दिख नहीं रहा, अबे यार भाई मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ भाई, दोबारा कर रहा हूँ भाई ट्राई। अब भाई समझ गए होंगे क्या दिक्कत चल रही है महिंद्रा के साथ हमारे। अब भाई मैंने बंद करी है दोबारा गाड़ी, अब मैं दोबारा स्टार्ट करके लगाऊंगा इसको, पता नहीं क्यों नहीं लग रहा। जैप तो लिखा आ गया, जूम देखते हैं, न्यूट्रल पे कर दे, चलो देखते हैं भाई क्या रहता है। हाँ फिर नहीं तो वही होगी तो जैप पे कर लेंगे, और क्या डालू जरा इसको जूम में, बजरंगबली, जय बजरंगबली, मंगलवार है आज, फिर कुछ रह गया लगता है ये कैसे स्कॉर्पियो ले लो ब्रेक ले लो ना भाई, कुछ तो रह गया भाई, कुछ तो रह गया, रोक भी ली उन्होंने, रोक ही ली, पर लॉन्च तो मैंने बढ़िया करा, लॉन्च आपका बहुत प्यारा हुआ है। तो भाई करते हैं, भाई का थोड़ा लॉन्च रह गया, अब करके देखते हैं अपना सेकंड राउंड, अपना एक दूसरा भाई भी आ गया स्कॉर्पियो वाला, और उसके साथ भी करके दिखाएंगे आपको। ओ हो हो भाई साहब के ड्रिफ्ट पे मार दिया, यही से लेते हैं, चलो भाई क्या दिक्कत रही भाई, इसने गियर ही नहीं बदला, बैक पे वो करती रह गई बस, एम में तो नहीं, एक मिनट आगे लाना भाई थोड़ी थोड़ी गाड़ी, चलो आप ट्रैक्शन ऑन रख लो, इस वाले ट्रैक पे एक बार हाँ, इस पे ऑफ करके देख लो, ये थोड़ा प्लेन ट्रैक है भाई,
करते हैं ठीक है, एक स्टार्ट है। तो भाई अब री राउंड कर रहे हैं, मतलब भाई आर मैं कहीं आप भी पीछे दे के मारो, ठीक है डाल दी भाई। तो भाई अब कर रहे हैं अपना दोबारा से फर्स्ट राउंड, क्योंकि भाई का गियर शिफ्ट ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई। 3-2-1 चलो जी। अब प्यारे लोग भाई स्कॉर्पियो ने भी थोड़ा व्हील स्पिन मारा, मुझे तो लग रहा है वो मिट्टी थी ना, ये आ गई देखो, अब आ गई निकल गई आगे। ओ भाई ये तो भगते हो आ रही बड़ी तेज, ये निकल गई भाई आगे। कितने पे क्रॉस करा है? 90 पे। अब जाती चली जाएगी, ट्रैक खत्म हो गया, ब्रेक ले लो। हां उसी से टूटने का डर है भाई, यहां कंकड़ बहुत है भाई। वैसे देखा जाए तो इतना कोई फर्क थोड़ी ना है। यहां से ही करें ट्रैक्शन ऑफ, अभी ऑन था, ऑन कर लो, ऑन कर लो। चलो मैं भी यही देख रहा हूँ। तो चलो भाई अब करते हैं सेकंड राउंड। अब वो ट्रैक्शन ऑन रहेगा, स्पेसिफिकेशन सेव रहेगी। मैं कर लेता हूँ ऑफ दोनों गाड़ियाँ जूम मोड में। थ्री टू वन लो भाई, बहुत फर्क आ गया ट्रैक्शन ऑन का। हाँ। जल्दी निकलेगी अब 90 से भी, फिर रह गई भाई, फिर रह गई, फिर कुछ दिक्कत हो गई उसमें? नहीं दिक्कत तो कुछ नहीं हुई भाई, ट्रैक्शन ऑन में अब आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ रही है। नहीं जीत गई भाई स्कॉर्पियो, भाई जीत गई भाई स्कॉर्पियो, लेकिन ये निकल गई है, निकल जाएगी, ब्रेक ले लेता हूं। 120 पहुंच गई थी, ट्रैक खत्म हो गया। ट्रैक्शन ऑन में एक्स भी हार जाती है भाई, तो फिर बहुत बढ़िया कॉम्पिटिशन दिया इसने। चेंज हो भाई ड्राइवर, मैं चलाऊं क्या वो? हां जाओ, मुझे लग रहा है ड्राइवर का थोड़ा फर्क रह रहा है, लेकिन ऐसे दीपांशु भाई भी यार हैवी ड्राइवर है दीपांशु भी यार, ऐसी बात तो नहीं है यार, बढ़िया रेस करते हैं। चलो भाई देखते हैं क्या हिसाब रहता है। ये आप चलाओगे? आप चलाओ भाई, मेरे से क्या फर्क आएगा, दोनों तुम ट्रेंड हो। अरे आप यार, यार यज्ञ भाई तो यज्ञ भाई है ना, फिर यज्ञ भाई तो अपने यज्ञ भाई हैं, और कहां यज्ञ भाई की। चलो करते हैं भाई, अब ड्राइवर इंटरचेंज करते हैं और फिर देखते हैं क्या फर्क रहता है। ड्राइवर इंटरचेंज आप भाई स्कॉर्पियो चलाओ, मैं चला के देखता हूँ। इसमें फिर से वही दिक्कत आई अभी, सेकंड गियर पे लिया ही नहीं मैंने, खुद मैनुअल पे करके आगे करा है। अच्छा तभी तो भाई ये क्या प्रॉब्लम आ रही है इसमें? वही मतलब ये अभी दिक्कत आ रही है। हाँ भाई ये बता रहे हैं कि फिर से दोबारा गियर शिफ्ट नहीं करा। मैं समझ गया था, मैं आपको कह रहा था भाई दिक्कत हो गई कुछ। पर भाई कितनी जल्दी गैप कवर किसने इतनी जल्दी करा वैसे? गैप लेकिन फिर भी कवर कर गया था एक्सयूवी ने, मैंने गियर बदला जल्दी से आगे, ट्रैक खत्म हो गया। आ जाओ ड्राइवर जी, चलो आप इधर आ जाओ, आप यही रहो, आप यही रहो। तो भाई अब आ गए थर्ड राउंड के लिए, अब हमने ड्राइवर इंटरचेंज कर लिया और मैं चला रहा हूँ एक्सयूवी। अब भाई बता रहे थे कि इसके गियर शिफ्ट नहीं हो रहे, अब करके देखता हूँ भाई। ट्रैक्शन ऑन रखूँ इसका? ट्रैक्शन ऑन रहने दो। चलो ट्रैक्शन भाई ऑन ही रहने देते हैं और इसको डाल लेते हैं जूम मोड में। डल जाएगा? नहीं डलेगा, डल जाएगा भाई। चलो इतनी दिक्कत नहीं देती उसकी तरह, थोड़ी मैं आगे कर लूँ बराबर सी। तो चलो भाई 3-2-1 आप कर देना है। रुक जाओ रुक जाओ, डालने दो गियर। भाई बहुत ज्यादा व्हील स्पिन मार रही है तो, पर इसमें अब वो नहीं करा इसने, पर ये भी कह सकता हूँ कि थोड़ा ड्राइवर का फर्क आ गया हो जैसे, क्योंकि भाई स्कॉर्पियो तो बहुत पीछे छोड़ दी मैंने। और भाई इसने अब गियर शिफ्ट का वो भी तो नहीं करा पंगा कोई, भाई जीत गया भाई। इतनी जल्दी ट्रैक कवर कर लिया यार, इसने पता ही नहीं लगा यार बिल्कुल भी भाई। वैसे तो एक्सयूवी विनर रहनी थी, पता ही था, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी जब दीपांशु भाई चला रहे थे। तो अब इसका फाइनल राउंड करके देखते हैं विदाउट लॉन्चिंग, इसको लॉन्च नहीं करेंगे हम ना स्कॉर्पियो को करेंगे, और फिर आपको दिखाते हैं क्या फर्क रहता है मेन। रोहन भाई लास्ट राउंड रखते हैं। हाँ क्या इसमें ठंडा कर रहे हैं हम? आप लॉन्च मत करो ठीक है, ओनली डी। और इस बार तो इसने कोई वैसे दिक्कत भी नहीं दी ना, सब बढ़िया था ना। डी और जैसे ही वन बोलू रेस पूरी दबा देना, लॉन्च मत करो, हम लॉन्च करेंगे ठीक है? ठीक है जी। ओ भाई अब तो बहुत ज्यादा व्हील स्पिन मार दिया इसने, पर भाई ये एक्सयूवी ही निकल रही है आगे, एक्सयूवी ही निकल गई। पर पता नहीं भाई जब दीपांशु भाई चला रहे थे तब कैसे आ रही है एक्सयूवी, मुझे समझ में नहीं आया। पर भाई रिजल्ट तो पता ही था कि इसने ही जीतना भाई, इसमें हॉर्स पावर ज़्यादा है, एरोडायनेमिक ये ज़्यादा है, वेट इसका कम है, सारी एडवांटेज तो इसको है, फिर वो कैसे जीत रही थी? मतलब भाई जैसे आप बैठे थे साइड में, इसका गियर शिफ्ट नहीं हो रहा था भाई, बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, सेकंड गियर पे शिफ्ट नहीं हो रही थी। अच्छा तो भाई इसमें कोई दिक्कत विक्कत आ गई होगी इसलिए फ़र्क रहा। तो अब वो उधर बुलाते हैं और उधर वाले ट्रैक पर भी करके देखेंगे क्या फ़र्क रहता है। नहीं चली गई वो तो।
तो भाई जैसे कि आप लोगों ने देखा कि थोड़ा एक्सयूवी में प्रॉब्लम आ रही थी, गियर शिफ्ट नहीं कर पा रही थी ढंग से, तो इसकी वजह से जो स्कॉर्पियो आगे निकल गई। जब मैंने इसको एक्सयूवी को लॉन्च नहीं करा और स्कॉर्पियो हमने लॉन्च करी तो एक्सयूवी आगे निकल गई। वैसे आप लोग बताना कमेंट्स में कि आपको क्या लगा, वैसे तो आपके हिसाब से क्या रहती है भाई एक्सयूवी? और भाई आपके हिसाब से अच्छा नहीं आती ना, फिर और उसका लॉन्च बेटर है तो उसे एडवांटेज मिल रहा है स्टार्टिंग में लीड रखने का, बाकी तीसरे गियर के बाद तो कर ही लेती है। अभी थोड़ी जैसे मिट्टी भी थी, मैंने देखा कि इसने आज स्कॉर्पियो ने व्हील स्पिन भी मार दिया, ये चीज़ मैंने नोटिस करी। वैसे अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक्सयूवी विनर रहती है। तो भाई इसी के साथ अब करते हैं एंडिंग, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको पता क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दीपांशु भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करना है और यज्ञ भाई को भी। तो ठीक है गाइस, थैंक यू।